हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बज चुके हैं सुबह के 8 और प्रियांशु एकदम रेडी है स्कूल जाने के लिए। हेलो, हाई तो कर दिया, ऐसे तो कर दिया कर। हेलो। तो इसका है आज पेपर, काय का पेपर आज? साइंस। आज है इसका साइंस का पेपर। और पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ? पढ़ा है, पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है, पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा। मतलब देख ले, साइकिल चाहिए तो बेटा नंबर लाने पड़ेंगे। मैंने पहले बोल दिया तभी साइकिल आएगी, अच्छी परसेंटेज आएगी। हाँ, स्कूटी भी ले आऊँगा मैं तो सर से। नंबर लिया 85+ लिया, चल ज़्यादा नहीं, 85+ तेरे लिए मैंने टारगेट रखा है, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, 90-95 नहीं, 70+ का बेटा कोई आजकल मतलब ही नहीं है। हाँ जा, आराम से जा, बढ़िया से पेपर कर गया। और मैडम ले रही यहाँ ताज़ा ताज़ा खबरों का आनंद। तो अखबार आ चुका है तो देश दुनिया की खबरों का यहाँ पर पूरा जायजा लिया जा रहा है बारीकी से, कोई छूट न जाए। चलो बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद मुझे बताना, क्योंकि मुझे अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है। कोई बढ़िया खबर हो तो मुझे बता देना, ठीक है? गुड गुड। और यहाँ निक्की की रोज़ की तरह बन रही है रोटियाँ, नाश्ता बन रहा है, तो नाश्ता तो लगभग बना ही दिया है, ख़त्म ही होने वाला है। और रोज़ की तरह वो प्यारी सी रोटी, पतली पतली, बहुत ही पतली रोटी, वाह, देखने में ही दिल खुश हो जाता है। और आज पिताजी लेटे हुए हैं क्योंकि इनके हो रहा है दांत में दर्द। बाबू, ज्यादा हो रहा है दर्द? खाना क्यों नहीं खा रहे हो फिर? खाना ताजी ताजी रोटी खा लो, एकदम मुलायम मुलायम। कुछ फल लेके आऊं? केले लेके आऊं? केले फल हल? चलो केले अभी लेके आऊंगा, बाकी बिस्कुट ला दूं? बिस्कुट बिस्कुट ना बंद। चलो अभी केले लेके आऊंगा, अभी दर्द हो रहा है, दवाई लेके आऊं? नहीं हूं। चलो दवाई लेके आऊंगा अभी, फिर भी केले भी लेके आऊंगा, दवाई भी लेके आऊंगा। इंडू, क्या हो रहा है? पूरी गद्दी फाड़ देना तू, ठीक है? पूरी गद्दी में देख तूने क्या कर दिया। तो ये हैं हमारे घर के दो नगीने, दो हीरे। तो अभी जैसे कि ठंड शुरू हो गई है, दोनों धूप सेक रहे हैं। और बाहर आ चुकी है मंद मंद चमचमाती हुई धूप। और आज हो चुकी है हमारी धान की कटाई शुरू। तो सुबह सुबह देख सकते हैं कितने लोग लगे हुए हैं, कम से कम 20-25 लोग। आधा खेत साफ कर दिया इन्होंने मेरे उठने से पहले ही। तो ये देख सकते हैं किस तरह से काट रहे हैं एकदम फटाफट, 20 आदमियों की टीम और साथ में इनके बगुले। तो बगुले को क्या खिला रहे हो? साथ साथ ही घूम रहे हैं। अच्छा, कीड़ा मकोड़ा खिला रहे हो, बहुत बढ़िया। और दादा कहाँ गायब हो गए थे? तुम तो दिखे नहीं यार, इतना बारिश आया, बाढ़ आया, पानी काट के। मैं तो घर ही था, यहाँ तो ड्यूटी हूँगा, तो मैं आता खेत के, अंदर नहीं जाता कुत्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोगों को देख के पता नहीं गाँव के सारे कुत्ते क्यों भौंकते हैं। वो काटता थोड़ा, वो तो बता रहता है हमेशा, दोस्ती कर लिया करो उससे। अरे तुम भी हो इसी में, तो पहचानने में नहीं आ रहे हो यार। बारिश ने तो शुक्र मनाओ, अभी धान खड़े थे, कटे नहीं थे, बहुत नुकसान कर दिया जिसके कटे हुए थे धान। तुम्हारे इधर को भी आया बाढ़? पानी भरा घरों में? अच्छा, तो तुम तो अंदर यहीं रहते हो ना अमृत नगर? तो हमारे इधर तो आया नहीं, तुम्हारे इधर कहाँ से आया था पानी? अच्छा, तो दोस्तों कुछ इस तरह से धानों की कटाई चल रही है। तो बहुत ज़बरदस्त टीम है इनके पास, और अभी एक घंटे में ही पूरा खेत साफ कर देना है इन्होंने। तो बारिश से इनके घरों में भी बहुत नुकसान हुआ है, कह रहे हैं हमारे घरों के अंदर भी पानी भर गया था और बहुत दिक्कत हुई। तो अभी तो थोड़ा सा हालात नॉर्मल हो गए हैं, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी तो ठीक ठाक ही हो गया है। तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं घर की ओर। और इनके साथ में काफ़ी बगुले भी हैं, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ वहाँ बगुले घूम रहे हैं। इनको भी मिल जा रहा भोजन पानी साथ में। तो दोस्तों अब चला जाए घर की ओर। इधर देख सकते हैं सब धान कटाई करने जा रहे हैं, तो रोड पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ है। तो जैसे कि दीपावली नदी गए, तो साफ़ सफाई ने भी जोर पकड़ रखा है और साथ ही खेत में फसल भी हो चुकी है। तो इस समय काफ़ी काम का लोड बढ़ जाता है गांव घर में।
और अभी पिताजी भी उठ चुके हैं, पढ़ रहे हैं अखबार। एक खिड़की खोल दूँ, उजाला हो जाएगा थोड़ा। और इधर हो रहा है लक्ष्मी और लल्लू का चारा पानी जोर शोर से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ छत पर और यहाँ कबूतरों ने भी काफ़ी भवंडर मचा रखा है। तो बहुत सारे कबूतर पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, तो यहीं घोंसला बनाकर यहीं बच्चे अंडे सब कुछ दे रखे हैं इन्होंने। तो दिन भर इनकी गुटर 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 लगे रहती है और गंद भी काफ़ी कर देते हैं ये। तो धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। पहले ये दो थे, दो से चार हुए, चार से आठ हुए, आठ से दस हुए, दस से अभी पता नहीं कितने हो गए। और ये हमारा खेत है जो आज कट रहा है, तो देख सकते हैं इन्होंने पूरा खेत ही साफ कर दिया है अभी अभी 5-10 मिनट में ही। तो ये लगी हुई है टीम, इस तरह से धान कटाई चल रही है। और कल पिताजी का रूम साफ किया था, तो आज इस रूम की बारी है, तो आज इस रूम को साफ किया जा रहा है। तो अभी बैठ के गद्दे उद्दे तो बाहर डाल दिए सुखाने, बाकी कपड़े वपड़े सब बाहर रख दिए हैं। तो इस रूम में हमारा ज़्यादा सामान नहीं है, हल्का फुल्का ही है, थोड़ा सा स्लिप में ही होगा, जो भी होगा स्लिप भी लगभग खाली ही है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, तो ये जल्दी हो जाएगा। और एक पंखा साफ करना है, पंखा काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि पंखे तो गंदे हो ही जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी धूल डस्ट जमी जाती है। और मैं फिर से आ चुका हूँ बाहर, और इस पेड़ के फूल तो मन मोह ही लेते हैं एकदम, सुबह सुबह इतने प्यारे फूल खिल जाते हैं इसमें। तो मुश्किल से आधा घंटा और लगना है इनको, पूरा खेत साफ हो जाएगा, और उसके बाद चले जाएंगे हमारे पड़ोसियों के खेत में। तो आज पूरे ही धान कट जाएंगे लगभग, जो सामने सामने के हैं हमारे और पड़ोसियों के। तो अब मैं फटाफट से नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, और कोको कैंडी लक्ष्मी लल्लू इनको भी देता हूँ, और उसके बाद जो आज मेरा मेन टास्क है वो है रोड की सफाई करना, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा आगे से। फिर तू मेरे पीछे आ गया, तो ये दूध नहीं दिया गया किसी ने, हैं नहीं दिया, चल आ जा फिर, तुझे ही देता हूँ यार पहले, चल नहीं तो तू मुझे जीने नहीं देगा। हाँ चल 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 आ रहा हूँ, ये ले चल पी ले। और इधर हो चुकी है साफ सफाई शुरू, तो आज तो मैं हेल्प कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं है। अभी बाबू को खाने दिया, अभी नहीं खा रहे, अरे वो कहते केले ला दो, केले खा लूँगा, अभी मैं जाता हूँ केले लाने, पहले चक्की मोड़ जाता हूँ केले, वो तो गए हो। तो चमका दो आज कमरा, बिल्कुल एकदम चका चेक कर दो चमका, अगर हो जाएगा। ये तो बेड है, बेड में कहीं हिलता भी नहीं है स्टूल, और है भी नीचे, ये ज़्यादा ऊँचा भी नहीं है, अगर ना हो छोड़ देना कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा, पंखा रह जाएगा। तो दोस्तों साफ सफाई ने भी जोर पकड़ रखा है। अरे हाँ यार लाओ, और अभी बिजली का बिल भी भरना है, काफ़ी दिन पहले आ गया था बिजली का बिल, बिजली का बिल भी आजकल ज़्यादा ही आ रहा है कुछ, पहले जहाँ 1,500 आता था, 2,000 के बीच में आता था, अब 3,500 और 4,000 के बीच में आ रहा है, और जबकि लाइट हम उतना ही जला रहे हैं और चीज़ें हम उतनी ही यूज कर रहे हैं। तो अभी ठंड में देखते हैं क्या है, कहीं मीटर में ही फॉल्ट है, क्या है वास्तव में बिजली ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं। बाबू धो लिया, हाथ में धो लिया, हाथ में धो लिया, दर्द हो रहा है, अभी दर्द हो रहा है, अभी दवाई लेके आता हूँ मैं, वो भी लेके आता हूँ, अभी वो खुला नहीं होगा ना, अभी दुकान वुकान खुली नहीं है, जा रहा हूँ अभी बस जल्दी से। तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ चक्की मोड़, और सबसे पहले पिताजी के लिए कुछ फ्रूट्स लेके आता हूँ और दवाई लेके आता हूँ, क्योंकि उनको अभी भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है, और कल शाम उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। ये खाओ फिर दवाई देता हूँ, सब खाना। अरे तो वो नहीं खा पाओगे, सेव मुलायम मुलायम खा लो, बाकी छोड़ देना, केला खा लो फिर, केला केला खा लो, जो खा पा रहे हो वो खा लो, और खाओगे, ये लो दवाई, लो दवाई, खा लो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चक्की मोड़ से, और पिताजी के लिए दवाई भी ले आया, थोड़े फ्रूट्स लाया,
सेब और केले लेके आया, लेकिन वो सेब तो खा नहीं रहे, थोड़ा हार्ट हो रहा, लेकिन केले उनको खिला दिए और उसके बाद दवाई दे दी है, तो अभी थोड़ी देर बाद उनको आराम हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं उनको, हल्की फुल्की दर्द हो रही है, लेकिन मैं फिर भी दवाई ले आया। तो रोड का हाल कुछ इस तरह से है, मिट्टी मिट्टी पड़ी है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है खेतों से, बड़े बड़े डेले पड़े हुए हैं सामने। तो अभी ये डेले डेले हैं, अगर ये सारी सूख कर बिखर जाएगी तो फिर धूल धूल हो जाएगी और फिर घर में घुसने लगेगी उड़ कर, तो उससे पहले कि ये धूल बन जाए तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। और जब फसल होती है तो उस सीज़न में रोड का कुछ इसी तरह से हाल हो जाता है, तो उसको लगभग दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना ही पड़ता है, तो बहुत गंदी हो जाती है रोड। तो दोस्तों हो चुकी है रोड की सफाई, तो यहाँ से वहाँ तक पूरी कर दी है जो भी घर के सामने सामने थी, क्योंकि बहुत गंद बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी और इतने बड़े बड़े डेले मिट्टी के थे, तो वो सारी उड़ उड़ के घर ही में आनी है। अगर हम लोग घर साफ़ कर रहे हैं और रोड गंदी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो गंद सब घर ही में उड़ के आती है। और अगर इसी तरह से सब अपने घर के आसपास सफाई रखे तो पूरी रोड साफ़ हो जाएगी, लेकिन लोग रोड गंदा करना जानते हैं लेकिन साफ़ करना जानते नहीं हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई सरकार ने रोड बनाई तो साफ़ करने भी वही आएगी, तो कुछ इस तरह की मानसिकता होती है लोगों की, क्या कह सकते हैं। बाकी हमसे जो हो सकता है वो तो हम करते हैं। तो ये पूरी अभी साफ़ हो चुकी है, मिट्टी विट्टी सब हटा दी है मैंने, तो वहाँ तक मैंने साफ़ कर दिए, यहाँ तक साफ़ कर दिए, पूरे गेट के सामने इतने बड़े बड़े मिट्टी के ढेले थे सब साफ़ कर दिए हैं। और अभी थोड़ा सा अभी मिट्टी है इसमें हल्की फुल्की, तो अभी टाइम लगेगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा तो मुझे ही लग गया, और कम से कम नहीं तो 10 तसले इसमें मिट्टी निकली है, कूड़ा कचरा। तो दोस्तों टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 12:30 बज चुके हैं, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।